वो इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही संघाई कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, किर्गिज रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं, वो आएंगे, और मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आएंगे। क्या कहते हैं सर इस कदम पर? देखिए, पिछली बार भी जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था तो दक्षिण एशिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, और इस बार बिम्स्टेक और SCO और मॉरिशस से बुला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शपथ ग्रहण के आगे भी कूटनीति होती है, तो कूटनीति सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह तक महदूद ना रह जाए। प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन पहले कार्यकाल के विपरीत इस कार्यकाल में सबका साथ सबका विश्वास सिर्फ एक रेटरिक ना हो, जमीन पे उतरे, हर वर्ग, हर कौम, हर जाति को ये एहसास हो कि ये मेरी भी सरकार है और सरकार सरोकारों पे चलती है, ना कि फिक्शन पे। सर एक चीज़, जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, माइनस पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्री हैं ना, उनको बुलाया जा रहा है। कुछ कूटनीति में बदलाव है पाकिस्तान को लेकर के? मैं तो ऐसा नहीं समझता। बड़े पत्रों के आदान प्रदान होते हैं, साड़ियों का आदान प्रदान होता है, आमों का आदान प्रदान होता है, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, तो एक इवेंट और स्पेक्टिकल के लिए कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन फंडामेंटल जो एक 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 नॉर्म में देख रहा हूँ, उसमें तो मैं एक साफ तौर पर संकेत पा रहा हूँ कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल रैलीज में जो भी कहें, लेकिन आज तक हम नहीं समझ पाए कि अफगानिस्तान से लौटते हुए हवाई जहाज इस्लामाबाद क्यों उतर गया, क्या मजबूरियां थी, न सदन को पता, न सड़क को पता। लेकिन जाहिर है जीते हुए हैं चुनाव, लेकिन चुनाव जीत जाने से ये सवाल खत्म नहीं हो जाते। सर लेकिन इमरान खान साहब से फोन पर फोन करते हैं, वहाँ उन्हें न्योता नहीं दिया जाता है। बिम्स्टेक की बात की जाती है, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से, कि सार्क को लेकर के भी अब जो भारत सरकार है बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहती है। तो कुछ तो बदलाव सर विदेश देखिए, मैं नीति तो में? सीधे तौर पे मानता हूँ विदेश नीति में, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सुषमा जी को फ्री हैंड दिया गया होता तो शायद बेहतर होता, लेकिन अगर विदेश नीति में भी NSA का इंटरवेंशन रहेगा, और जो रहा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव हम हार गए इसलिए मौलिक सवाल खत्म हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मोदी जी से पहले वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, VP सिंह जी ने कभी किसी को बुलाया? नहीं। मोदी जी एक इवेंट मैनेजर हैं बहुत बड़े, उनकी हर बात में एक इवेंट होता है, हर शब्द में एक इवेंट होता है, और मीडिया का एक वरा वर्ग उस इवेंट का कोलैबोरेटर है, साथ में काम करता है। तो ये चीजें हम नहीं देख रहे हैं अपने मुल्क में। ये व्हाट्सएप युग का शपथ ग्रहण है, और इसके इसके नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग है। इतिहास मूल्यांकन करेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। सर जो विपक्ष को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, NDA 350 के आंकड़े के पास पहुंच गया, अकेले BJP ने 300 का आंकड़ा पार किया, इसके बाद से अलग अलग पार्टियों में नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जिससे आपका संबंध है, महेश यादव MLA हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए रेजिग्नेशन की मांग की मैं है। एक बात साफ तौर पे कह दूं मीडिया के आप बंधुओं को, अगर अपना पुराना टाइमलाइन आप चेक कर लें, ये इनका हमारी पार्टी से ताल्लुक 2016 में खत्म हो चुका है, 2016। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, गायघाट के हमारे MLA हैं, ये बहुत पहले हमसे अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। अब इनके बयान को तेजस्वी जी LOP ने बहुत खूबसूरत चुनाव लड़ा, हम चुनाव हार गए, हौसला थोड़े ही आ रहे हैं, हमने कुछ मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में हम गए, लेकिन जिस चुनाव में नेशनल माइंड ही ऑक्यूपाई हो जाए, और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ऑक्यूपेशन ऑफ नेशनल माइंड, उसमें जो फंडामेंटल सवाल है रोजगार के, सामाजिक न्याय के, बेटी बेटियों को महफूज रख बेटियों को महफूज रखने के, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हो रहा है, सब लोग नकारा है मुजफ्फरपुर में, अब 3 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उस चुनाव में तेजस्वी यादव जी के इस्तीफे की मांग करना, मैं समझता हूं उस व्यक्ति का, पहली बात, हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरे, हमने इस चुनाव से कुछ सबक लिया भी, और मंथन होगा और हम भी तय करेंगे कि आगे के दिनों में रणनीति क्या होनी चाहिए। कोई महेश्वर यादव ये नहीं तय कर देंगे कि करोड़ों लोग जो बिहार में, जिनकी आकांक्षा में वो बसते हैं,
उसको महेश्वर यादव के कहने पर खारिज कर दिया जाए। सर बार बार चल रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि अगर मीडिया में इस तरह की कोई भी खबर चल रही है तो इसमें कार्यकर्ता इस तरह की चीजों में ना आए, कोई रेजिग्नेशन का सवाल अभी फिलहाल नहीं उठता है। देखिए मैं तो एक बात सीधे तौर पर कहता हूँ, ये कहना कि इस्तीफा कर दो और ये इस्तीफा दे रहा हूँ, अब राहुल जी का अपना निर्णय होगा, वो इस्तीफा दे रहे हैं अगर उस पर कायम रहते हैं और चाहते हैं दूसरी भूमिका में पार्टी के लिए काम करें, ये उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का, इसमें जाना चाहता। लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष की चौकीदारी की भूमिका शुरू हो गई है। अभी 24 घंटे के अंदर बेगूसराय में घटना हुई है, मध्य प्रदेश में घटना हुई है, भोपाल में घटना हुई है। अगर हम इस्तीफों और इस्तीफों के तमाशे के बीच में महदूद रहें तो जिसने हमें भरोसा जताया है क्या हम उसके भरोसे की कमजोर नहीं कर रहे हैं? हाँ, हर पार्टी में ढांचागत बदलाव होना चाहिए, लेकिन विपक्ष चुनाव हारा है, हौसला नहीं आ रहा है, और ये इस मुल्क का होपफुली अंतिम चुनाव नहीं है। हमने बहुत सारे दौर देखे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सरोकार के लिए लड़ने वाले लोग कभी लो इसमें हो सकते हैं कि आज हमारा दिन नहीं है, लेकिन यस वो सुबह कभी तो आएगी। लेकिन सर इन नतीजों के बाद सबसे नेतृत्व पर तो वो कांग्रेस पार्टी में ही चल रहा है, उदय लाल मीणा राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने सीधे सीधे अशोक गहलोत सरकार पर, अशोक गहलोत पर निशाना साधा है, उनके नेतृत्व पर निशाना साधा है कि उन्होंने जालौर से अपने बेटे को वो चुनाव नहीं जितवा पाए, उनके नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया है कि उन्हें पद छोड़ना चाहिए। देखिए मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि तीन स्टेट मेरे लिए भी एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में अजूबा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक तरह से कहूँ तो छत्तीसगढ़ भी थोड़ा बहुत। तीनों स्टेट, खास करके छत्तीसगढ़ तो आप स्वीप कर गए थे, मतलब 3/4 से भी ज़्यादा थे, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जोन्स हैं। अब राहुल जी ने संभवतः खुद भी कहा है, जोधपुर से अशोक गहलोत जी के बेटे थे, ये हम सबको तय करना होगा कि जितने हमारी संसाधन हैं, ऊर्जा हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक क्षेत्र में विशेष में वो सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात हम सबको समझनी होगी कि हमारे सामने जो हमारा प्रतिरोधी है, जो सत्ता पक्ष है आज का, उनके लिए राजनीति 24 घंटे सातों दिन का, प्रधानमंत्री जी तो अभी से अगले चुनाव के मोड में, हमें भी ये तय करना होगा, हमारे पास संसाधन नहीं है, ये तय है, लेकिन हमको लोगों के बीच में 24 घंटे सातों दिन उनके मुद्दों के साथ रहना होगा। आज मुद्दे हार गए इस चुनाव में, मैं मानता हूँ मोदी जी जीत गए, लेकिन ये मुद्दों की भी हारी हुई है इस चुनाव में, लेकिन मुद्दे हमेशा पराजित नहीं रहेंगे, मोदी जी को मुद्दों को समझना पड़ेगा। सर सवाल कर्नाटक पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका में है, वो 30 तारीख को मोदी सरकार शपथ लेगी, उसके बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे कर्नाटक में, खुद उन्होंने अपने ही नेता पर सवाल उठाया है। देखिए मैं तो एक बात स्पष्ट तौर पर मानता हूँ, एक राजनीति के एक ऐसे विपरीत काल से हम गुजर रहे हैं ना, जहाँ एक विशाल पार्टी के अध्यक्ष साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने पॉलिटिकल थियरी में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में एक नया अध्याय जोड़ा है, चुनाव जीतो तो सरकार बनाओ, हार जाओ तो ज़रूर बनाओ। अब कर्नाटक उसका नमूना, पहले भी ये ऑपरेशन लोटस के नाम से कोशिश हो रही थी, ये कोशिशें ये मध्य प्रदेश में भी करेंगे, और हम तो बिहार में जीता जागता उदाहरण है, पूरी तरह पराजित भाजपा अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार में आ गई और हम सरकार से विपक्ष में चले गए, ये तो विश्व इतिहास में एक नमूना है। सरकारें गिरती हैं फिर चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव नहीं हुए, हारी हुई पार्टी सरकार में आ गई। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि आज भले लोग तालियां बजा लें, कहें कि अरे कमाल कर दिया अमित शाह जी ने, लेकिन 10 वर्ष बाद लोग रिग्रेट करेंगे, जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कत्ल किया जा रहा था तो हम चुप बैठे रहते। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, वहाँ पर बहुजन समाज और मंत्री पद का ऑफर दिया गया, लेकिन मैंने ठुकरा दिया, मैं नहीं जाऊँगा। यही मैं कह रहा था कि ये जो भाजपा की नई कार्यशैली है, मनसा वाचा कर्मणा, ये एक जुबान प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और एक कार्यशैली अमित शाह जी की है, वो काम में लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ सरकारी गिराई जाए, पूरे देश में चाहते हैं कि भाजपा की सरकार चले। मुझे अचंभा नहीं होगा अचानक ये तमिलनाडु में भी इस प्रकार के पोचिंग की कोशिश करें, खुद प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान बयान दिया था बंगाल में
कि 40 एमएलए हमारे संपर्क में, क्या ये शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को? लेकिन ये नया युग है, यहाँ मान्यताएं और रवायतें बदल गई हैं, यहाँ पुरानी मान्यताओं पर काम नहीं होगा। अगर अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे कोई भी सरकार गिरा सकते हैं, समृद्ध के नहीं दोष घुसाएं। सर, प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आज बनारस में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता था कि ये हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, लेकिन हमने नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, इन सब जगहों पर सरकार बनाई, कर्नाटक में हमने ज्यादा सीटें जीती हैं, तो अब ये साबित हो गया है कि हम हिंदी हार्टलैंड नहीं बल्कि पैन इंडिया पार्टी है, क्या कहेंगे सर? सीधी सी बात है, चुनाव जीत रहे हैं, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना होगा ना, चुनाव किन मुद्दों पर जीते जा रहे हैं? विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी जाए, बंगाली पहचान और अस्मिता को चोट पहुंचाई जाए, मेघालय में गवर्नमेंट रिग कर ली जाए, गोवा में गवर्नमेंट रिग कर ली जाए। मैं तो सीधे मानता हूं प्रधानमंत्री जी और उनके टीम ने रिगिंग ऑफ नेशनल माइंड की एक अद्भुत पद्धति विकसित की है, हमें उस पद्धति का जवाब ढूंढना होगा। इट्स रिगिंग ऑफ नेशनल माइंड, इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ नेशनल माइंड। फिक्शन फैक्ट होता है और फैक्ट फिक्शन के आगे सर झोंके कहता है कि मैं हार गया।